हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हैं एक नए रेसिपी के साथ। तो देखिए, एकदम गर्मा गर्म है और इसका नाम है चिली मोमो। ये थोड़ा अलग ही खाने में लगेगा आपको। आपने तो चिली चिकन खाया होगा, इस बार आप लोग ट्राई कीजिएगा इसे देखने के बाद। चिली मोमो बहुत ही बढ़िया है और ये नॉनवेज है, इस पे कोई भी चिकन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी चिली मोमो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे पैन, और पैन को कर लेंगे गरम और उसमें दे देंगे ऑयल और उसमें दे देंगे अदरक जो छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए हैं, उसे फ्राई करेंगे और साथ में दे देंगे लहसुन। उसके बाद इसे थोड़ा हल्का फ्राई कर लेंगे और उसके बाद दे देंगे छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए मिर्च। ये हरी मिर्च है, बिल्कुल फ्रेश है। इसको भी थोड़ा हिला लेंगे तेल के ऊपर और डाल देंगे एकदम बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ तकरीबन 3 प्याज है। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का ब्राउन होगा, ये ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब ये फ्राई होने के बाद इसमें हम दे देंगे बंद गोभी, और ये पहले से ही कटा हुआ और बॉइल्ड किया हुआ है, देख लीजिए, ये पहले से ही बॉइल किया हुआ है। इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। इसमें दे देंगे जरूरत के अनुसार नमक। यहाँ हमने 3 से 4 चम्मच छोटे चम्मच नमक दिया है, और ये है काली मिर्च पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पक के अच्छा खासा सॉफ्ट और नरम हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ढक के रखना पड़ेगा। इसे तकरीबन 15 मिनट तो लग ही जाएगा। और दूसरी तरफ ले लेंगे छाननी और इसमें दे देंगे मैदा। यहाँ तकरीबन 400 ग्राम मैदा है और इसको छान लेंगे। चलिए, छानना हो गया है। अब इस पे दे देंगे थोड़ा सा नमक और दे देंगे एडिबल ऑयल और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे अच्छे से, और ले लेंगे गुनगुना पानी और उससे इसका एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो बनाएंगे। और थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे तेल भी ऐड किया है ताकि वो और भी ज़्यादा मुलायम बने, चिकना बने। और इसको रख देंगे हम गीले कपड़े पे ढक के कुछ समय के लिए। और दूसरी तरफ देख लेते हैं, ये 20 मिनट के करीब हो चुका है। तो देखिए, एकदम नरम हो चुका है। कितना ज़्यादा जगह लेके बैठा था पहले, अभी देखिए कितना कम हो चुका है, मतलब ये पक चुका है। देखिए, दूसरी तरफ ये हमारा डो रेडी है और इसमें थोड़ा सा हम दे देंगे ऊपर से मैदा और एक बार इसे गून लेंगे थोड़ी देर के लिए। और अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और इसका छोटा छोटा रोटी भी बना लेंगे। साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अंदर का जो स्टफिंग है वो उसको भर देंगे इस तरह से, और देख लीजिए ये प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। तो आप लोग इस तरह से ये मोमो बना सकते हैं।
आप दूसरा डिज़ाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने तो ऐसा वाला किया है। और एक तरफ ले लेंगे हम लोग गरम पानी, बनाएंगे एक पतीले में, इसको गरम कर लेंगे और ऊपर दे देंगे इस तरह की थाली जिसपे छेद हो, और उस पर लगा देंगे, ब्रश कर देंगे ऑयल और रख देंगे मोमो के पीसेस। और उस गर्म पानी के जरिए आप लोग सूप भी बना सकते हैं। तो देखिए हो चुका है एक बैच, मगर हम लोग तो आज सूप नहीं बनाएंगे, अलग टेक्निक का बनेगा। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये और एक तरीका है जहां हम मोमो बना रहे हैं। ये राइस कुकर है, इस पर भी आप बना सकते हैं। हमने दोनों पे बनाया है। जिनके पास राइस कुकर है वो कैसे बना सकते हैं वो भी दिखाया है। ये पानी रख दीजिए, पहले गर्म हो जाएगा उसके बाद चढ़ा दीजिए इस तरह। और अगर राइस कुकर नहीं है तो वो तरीका तो आपने पहले ही देख लिया है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप लोग राइस कुकर में भी कर सकते हैं, और जिनके पास राइस कुकर नहीं है वो नॉर्मल ओवन पे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये राइस कुकर वाला भी तैयार हो चुका है, तो इसे भी हम लोग निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ हमें रेडी करना पड़ेगा पैन, और उसको करना है गरम, और उस पर दे देंगे तेल और उस पर फ्राई कर लेंगे ये जो मोमोज है। अब एक एक को उलट देंगे। इस समय गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए ये सारे फ्राई हो चुके हैं। और अब फिर से पैन में दे देंगे अदरक लहसुन तेल में, और उसके बाद इसे थोड़ा फ्राई करने के बाद इस पे ऐड करेंगे प्याज, वो भी बड़े बड़े पीसेस। देख लीजिए चिली चिकन में आप जैसा यूज़ करते वैसा प्याज दीजिएगा। मिर्च, हरी मिर्च, इसको भी फ्राई करते रहेंगे। और फिर दे देंगे शिमला मिर्च, इसे भी हमने इस तरह से काटा है बड़े बड़े पीसेस में। फिर देंगे टमाटर, इसको भी कर लेंगे फ्राई। और थोड़ा सा दे देंगे यहाँ नमक, यहाँ तो चम्मच नमक है, जीरा पाउडर है, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये सारे एक चम्मच थे, इन्हें फ्राई कर लिया। और दे दे रहे हैं सोया सॉस, यहाँ पे दो चम्मच सोया सॉस है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। देन दे देंगे चिली सॉस दो से तीन चम्मच, और ये पांच चम्मच के ऊपर टमाटर सॉस, इसको थोड़ा पकने देंगे। और दे देंगे विनीगर थोड़ा सा। अब ले लेंगे एक कटोरी और उसमें दे देंगे कॉर्नफ्लावर, यहाँ पे कॉर्नफ्लावर हम दो चम्मच दे रहे हैं। कॉर्नफ्लावर जो हमने रखा है उसको हम पानी में घोल लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है, मगर ये दूध नहीं है, कॉर्नफ्लावर है। और इसको हम धीरे धीरे इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह से, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा करके। और थोड़ा सा इसमें और भी ज़्यादा पानी ऐड किया गया है। अब ये हो चुका है, अब इसमें दे देंगे एक एक करके जो फ्राइड मोमोज थे उन्हें दे देंगे।
इसको फिर थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं। तो ऑलमोस्ट तैयार है हमारा चिली मोमो, तो अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए रेडी हो चुका है हमारा चिली मोमो। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए हमारे साथ ताकि हमेशा आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।